ओके सो हे गाइस बस सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल तुमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हमेशा की तरह, तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद आप सभी को जाना ऐड फोटो में, एंड आप सभी को अपने मॉडल में यहाँ पे ऐड कर लेना है कुछ इस टाइप से, अपने मॉडल को आपको ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को कुछ नीचे की तरफ इस टाइप से लगा देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ से तो पहले तो इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी मेरे को ब्राइटनेस कम लग रही, तो मैं इसकी पहले ब्राइटनेस बढ़ा दूँगा। तो कलर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, आप ब्राइट वाले ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद हम गाइस इसका थोड़ा सा जो ब्राइटनेस इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे हम इसको कुछ अराउंड रखेंगे, 120-130 तक रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद 130 तक रखने के बाद आप सभी रिजल्ट रूम में जाकर एंड कुछ इस टाइप से आपको पेंट करना है फेस के ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी कुछ इस टाइप से पेंट कर देना है फेस फेस के ऊपर, क्योंकि फेस के ऊपर ही ब्राइट चाहिए हमें। तो 130 तक आपको उसकी ओपेसिटी रख लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को डन कर देना है। एंड इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को करना है कि आप सभी को पहले तो इसको यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो एंड इसके बाद आप सभी को यहाँ पे तो बस इतना काम तो हो गया, तो अभी आपको यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देंगे। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना है टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद जाना है एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सभी को इसकी ओपेसिटी बिल्कुल माइनस कर देनी है, ठीक है। इरेजर टूल में जाना है, फिर इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश के साथ सेलेक्ट करके एंड ब्रश को छोटा कर फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद आप सभी को कुछ फेस के ऊपर इस टाइप से, मतलब कि थोड़ा फेस को थोड़ा डार्क करना है, आई को जो है अपनी इसको डार्क करना है, ठीक है, ताकि जो ब्लैक डार्कनेस आ जाए। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर थोड़ा सा इसके साइज को, ओपेसिटी को थोड़ा कम करके एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे पेंट करेंगे, ठीक है, ताकि जो यहाँ पे डार्कनेस हो जाए, क्योंकि गाइस जो मैंने थंबनेल में आप सभी को दिखाया तो गाइस थोड़ा वैसा करना है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम इरेज़ कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा इरेज़ कर लेंगे एंड उसके बाद जो है हम इसका अमाउंट थोड़ा कम कर देंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइस हम यहाँ पे सिंपली डन कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस हमें जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। तो ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से हम एक आई का पीएनजी है जो कि इसको हम ले लेंगे, तो इसको ले लेंगे एंड ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप सभी कुछ इस टाइप से फोटो को अपनी जूम कर लेना है एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करके एंड आपको थोड़ा आई के बराबर इसके साइज कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जाना है इरेजर टूल में, इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना अच्छे से बिल्कुल, ठीक है, जो भी मतलब आपके आई के ऊपर एकदम मैनेज हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस टाइप से इरेज कर लेंगे एंड उसके बाद गाइस हम इसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड थोड़ा फोटो को जूम करेंगे एंड थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको यहाँ पे। एंड गाइस इसका हम डुप्लीकेट करके हम दूसरे वाले आई के पास भी लगा देंगे इसको कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ओपेसिटी गाइस आप सभी को इतनी रखनी है अराउंड 50 तक। एंड उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे हमारी काफ़ी परफेक्ट ये लग रही है आई, ठीक है। तो उसके बाद आप सबको यहाँ पे डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सबको दोबारा से जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। तो ऐड फोटो में जाएंगे, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सबको मैं एक लेंस फ्लेयर का पीएनजी दे दूंगा, ठीक है। तो इसका पीएनजी ले लेंगे, ठीक है। तो मतलब लाइट का पीएनजी, तो सॉरी गाइस, तो ये ग्रीन कलर का लाइट का पीएनजी हम इसको रेड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम जाएंगे ऐसे एडजस्ट वाले ऑप्शन में जो कि आप सभी को यहाँ पर दिखा जाएगा, ठीक है। एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ह्यू में जाना है एंड गाइस उसके बाद आप सभी को उसका अमाउंट ऊपर या नीचे करके थोड़ा देखना है और आपको रेड कलर को ढूंढना है यहाँ पे कि कहाँ है रेड कलर, ठीक है। तो हमें रेड कलर यहाँ मिल चुका है 190 पे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फोटो को कुछ जूम करेंगे, ठीक है। जूम करने के बाद हम कुछ अपने आई के पास जो है इसमें ग्लोइंग इफेक्ट डालने के लिए हमें लाइट का पिंज लिया है, तो हम इसको कुछ स्टेप्स लगा देंगे। एंड गाइस इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चाहो तो आपको इस ओपेसिटी भी इसकी थोड़ी कम कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे एंड डुप्लीकेट करके हम दूसरे वाला आई के पास भी लगा देंगे इसे, ठीक है। तो इसके हम थोड़ी सी ओपेसिटी कम करते हैं यहाँ पे अराउंड कुछ 73 तक रख लेंगे, ठीक है। तो इसको एक इतना रख देने के बाद आप सबको फिर यहाँ पे क्या करना है, इतना हो जाने के बाद आप सबको सिंपली परफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आप सबको यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। तो इतना कर देते हैं एंड गाइस यहाँ पे आपको देखिएगा इस काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, तो यहाँ पे आप डन कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को एक पीएनजी और लगाना है, तो उसके लिए जाना है ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये पीएनजी है, ठीक है। तो इस पीएनजी का ये पीएनजी काफ़ी जरूरी लगाना है, ठीक है। तो उसका ब्लेंडिंग मोड जो है मल्टीप्लाई रखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई रखने के बाद आप सभी कुछ इस टाइप से इसको थोड़ा आँखों के पास मैनेज करके लगा लेना है। तो गाइस ये पीएनजी भी हमने यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डन कर देंगे। उसके बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ से आप चाहो तो उसको थोड़ा क्रॉप कर सकते हो फोटो को, ठीक है, ताकि जो आपका फेस है वो दिखे। तो उसके लिए आप थोड़ा इसको क्रॉप भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, आप पूरा फुल फोटो भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रॉप कर लूँगा इस फोटो को एंड उसके बाद गाइस मैं इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो कलर करेक्शन है वो करेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर, क्योंकि हमें इसमें ब्लू टोन डालना है। तो जो लाइटरूम ऐप में हम ब्लू टोन डालेंगे, तो लाइटरूम ऐप को हम सिंपली ओपन कर लेंगे। एंड उसके बाद गाइस आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारा लाइटरूम ऐप ओपन हो रहा है और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना,
ठीक है गाइस, ताकि जो वो भी मैं वीडियो डालूँ उसके अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे सिंपली। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेने के बाद आप सभी को यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड जो इसका कॉन्ट्रास्ट आप सभी को आगे की तरफ बढ़ा देना है, एंड जो हाईलाइट है इसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, एंड उसका जो शेडो है इसका इंक्रीज कर देना है, एंड व्हाइट है जिसको कम कर देना है, एंड ब्लैक है जिसको बढ़ा देना है। ठीक है, ब्लैक को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना कलर्स वाला ऑप्शन में वाइब्रेशन है जिसको बढ़ा देना है, टेम्परेचर को थोड़ा माइनस कर देना है आप सभी को। एंड उसके बाद गाइस जाना आपको मिक्स वाले टूल में, एंड उसके बाद आप सभी को ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, एंड सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड जो ल्यूमिनस आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, बाकी आपके फेस पर डिपेंड करता है वो। तो ह्यू को बढ़ा देना है, एंड रेड कलर के ह्यू को, एंड सैचुरेशन को प्लस में, एंड उसके बाद जाना ब्लू कलर में इसके ह्यू को थोड़ा माइनस कर देना है, एंड जो इसका सैचुरेशन है इसको थोड़ा प्लस में रख लेना है, एंड स्काई ब्लू वाले ऑप्शन में जाना है, सॉरी स्काई ब्लू को छोड़ो गाइस। ठीक है, उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में फोटो जो क्लियरिटी आप सभी उसको बढ़ा देना है, फोटो में थोड़ा सा वीकनेस डाल देना है, एंड उसके बाद आप सभी को ग्रीन अमाउंट दिखेगा आपको ग्रीन अमाउंट को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में फोटो जो शार्पनेस आपको उसको बढ़ा देना है, जो नो डायरेक्शन आप सभी उसको भी बढ़ा देना है, एंड जो कलर नो डायरेक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, तो गाइस जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और यार वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, प्लीज़ यार एक शेयर जरूर कर देना। बाकी गाइस मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि यार मैंने आप सभी के लिए एंड स्क्रीन में दो वीडियो लगाई है, एंड यार इन दोनों वीडियो में मेरे को काफ़ी मेहनत लगी थी यार, तो यार प्लीज़ यार आप दोनों इन दोनों वीडियो में से किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को वॉच करो। बाकी गाइस आप मेरे चैनल की कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो यार आप मेरे चैनल के लोगों पर क्लिक करके वहाँ पर जाकर मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हो। बाकी गाइस आप सभी को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, एंड गाइस मैं मिलता हूँ सुबह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।